एक तरफ जहां सूबे की सरकार लगातार भूमाफियों से लेकर अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कस रही ताकि पूरी तरीके से अपराध और भूमाफियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे भूमाफिया और कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला रायबरेली के थाना डीह क्षेत्र के ग्राम मझलाहा से सामने निकल कर आया, जहां प्रदेश सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर ग्रामवासियों ने सेहन की जमीन पर बने मंदिर को तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्रतिष्ठा का आयोजन भी किया जा रहा। अब ऐसे में देखना है कि जनपद रायबरेली के भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से बाबा के बुलडोजर का गलत प्रयोग करके आस्था के प्रतीक कहे जाने वाले मंदिर को तोड़कर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। क्या नाम और कहाँ रहते हो? नाम है अंजनी कुमार, ग्राम मंजला, पोस्ट बितौरा, जिला रायबरेली, थाना डी। आज कहाँ पे आए, क्या मामला था? जिला अधिकारी डीएम के, डीएम साहब के पास आए। क्या मामला था? मामला मंदिर जो है तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा, कब से था मंदिर? 25 साल से पूरा जो है मंदिर का पूजा पाठ होते चला आ रहा है, जो है तो मंदिर का स्थापना हुआ है उसमें जो है एसडीएम साहब और नेकपाल के द्वारा जो है मंदिर तोड़ दिया गया है। इसकी डीएम साहब से शिकायत करने आए? जी जी। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जो है मंदिर जो है निर्माण का जो है बन जाए, और जो है जो तोड़ा गया उसका मुआवजा भी चाहते हैं उसे बनो। आपका नाम? सोम मतू। आज का है लिए यहाँ शिकायत करने आए? यहाँ शिकायत डीएम के पास करने आए हम लोग कि हमारी मंदिर क्यों तोड़ी गई है, जब चरा में सबके खरिहानों में सबके घर बने हैं तो हमारी मंदिर क्यों तोड़ी गई है। हम लोग यही चाहते हैं, पाँच बरसों से हम लोग पूजा करते हैं, आज मंदिर बनी गई है तो क्यों तोड़ा जाता है? सबके घर तो नहीं खाली करवाएंगे, मेरी मंदिर क्यों तोड़वाए? हम यही चाहते हैं कि हमारी मंदिर बन जाए बस। ग्राम सभा का मंदिर है? हाँ, ग्राम सभा की मंदिर है, चंदा लगा के मैं मंदिर सब लोग बनवा रहे हैं मिलके। अकेले भी मंदिर मैं नहीं बनवा रहा हूँ, सब लोग मिल के मंदिर बनवा रहे हैं चंदा लगा के। हमारा नियम यही है कि मंदिर हमारी क्यों खाली बन जाए बस। कौन किनके द्वारा तोड़ा गया ये मंदिर? ये तोड़ा गया है मंदिर नेकपाल और तहसीलदार के। तो आज कहाँ आप शिकायत करने आए? डीएम से। क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी मंदिर जो तोड़ी गई है फिर से हमारा नया कानून बने कि हमारा मंदिर बनवा दिया जाए। मैं आपका सीता हूँ। काहे लिए आई थी यहाँ शिकायत? सर, हमारी मंदिर तोड़ दी गई है, मैडम के पास आए हैं शिकायत करने के लिए कि हमारी मंदिर जिस तरीके से तोड़ी गई है उसी तरीके से मंदिर हमारी फिर बन जाए। जो चारागाह और मेला मैदान और खरिहान है वो खरिहान या तो एक तरफ से खाली किया जाए। तो डीएम साहब से बात हुई? डीएम साहब से बात हुई, बात डीएम साहब कहें कि जो है हम जांच करके जो है हम एक कार्रवाई कर दें।